अगर आप प्याज की खेती करने की सोच रहे हैं तो ये खबर दरअसल आपके फायदे की है, क्योंकि इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा प्रति हेक्टेयर 98,000 रुपये की लागत पर 50% तक अनुदान यानी कि 49,000 रुपये दी जा रही है। अगर आपका घर बिहार में है और इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो कृषि विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। मालूम होगी प्याज की खेती की नगदी फसलों में गिनती होती है, सालों भर इसकी डिमांड रहती है। यही कारण है कि सही समय पर और उन्नत फसलों की खेती कर किसान इससे काफ़ी आमदनी कर सकते हैं। यही कारण है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार और तमाम राज्यों में प्याज की खेती पर वित्तीय अनुदान देती रही है। खास बात यह है कि किसी भी उपजाऊ ज़मीन में प्याज की खेती को लगाया जा सकता है। बलुई दोमट मिट्टी प्याज की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कंद के रूप में इसकी खेती होती है, जिस वजह से जल भराव वाली ज़मीन में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। बता दें कि इसकी खेती के लिए 5 से 6 pH मान वाली ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिसकी ज़मीन सर्द तथा गर्म दोनों की क्लाइमेट में की जा सकती है। पौधों के माध्यम से प्याज की रोपाई की जाती है। इसके कंदों को मिट्टी में लगाने से पूर्व इसके पौधों को 1 से 2 माह पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। अगर इस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो किसी निबंधित नर्सरी से आप प्याज के पौधे खरीद खेतों में लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर के खेत से प्याज की लगभग 250 से 400 क्विंटल की पैदावार होती है। यदि खेतीहर चाहे तो इसकी दोनों पैदावार से टोटल 80 क्विंटल तक पैदावार कर सकते हैं। इस हिसाब से किसान सालाना 3 से 4 लाख रुपए तक की अच्छी आमदनी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं तो इसकी खेती करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा।